वहीं राज्य की राजधानी देहरादून में एक घटना सामने आई है जहां एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली है। इस घटना को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एक नाबालिग ने आत्महत्या की है जो कि बिहार की रहने वाली है। नाबालिग एक फैमिली के यहां काम करती थी, अचानक उस लड़की ने आत्महत्या कर ली है। अभी मामले की जांच की जा रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके तहत ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर आत्महत्या करने के पीछे लड़की का क्या कारण रहा होगा। वहीं घटनास्थल पर कांग्रेस के कई बड़े नेता लड़की के घर पर पहुंचे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ देखिए, एक नाबालिग लड़की थी करीब 15 साल की, ये लोग फैमिली बिहार के रहने वाली है और यहाँ पर एक दूसरा फैमिली जिनके यहाँ पर ये काम करती थी और उनके दो बच्चे उनकी केयर पे काम करती थी और इसमें उनकी जो वाइफ है जो उनका वो टीचर है, स्कूल में पढ़ाते, बाकी इनका बिजनेस अपना और आज घर के नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पर। और ये जो नाबालिग लड़की थी वो करीब एक घंटे तक नहीं दिखाई दी, जब उन्होंने देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला था और एक कपड़े के सहारे स्क्रीन लगाकर हैंगिंग करी थी। कल भी हमने नॉन ऑटो को लेकर बंद रखा तो राष्ट्रपति का चौराती भी कर हत्या बलात्कार डकैती इस शहर में पूरे प्रदेश में बारिश आ गई। आज इस स्थान पर इतनी बड़ी 14-15 साल की बच्ची की हत्या हो जाती है और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, उसके परिजनों को बाद में सूचना दी जाती, परिवार के लोगों को बाद में सूचना दी जाती है हत्या के कई घंटे के बाद, तो ये साबित करता है कि कहीं न कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।